मैं तो आपसे कह रहा हूं कि भाई इस बार अभी 13 तारीख से 17 आ रहा है, उसमें एक कानून लाना चाहिए कि ईडी और सीबीआई को कब्रिस्तान और शमशान में भी पूछताछ करने की छूट दी जाए। मुर्दा खोदो और मुर्दे से पूछताछ करो। जो सरकार देश के शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम करती है, देश के सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर लाती है, नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है, उस सरकार को सिर्फ दिन रात एक ही चिंता है, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको नोटिस, इसको नोटिस। रोज सनसनी फैलाओ, अपने दोस्त अडानी को लाखों करोड़ रुपए की लूट की छूट दो, हिंदुस्तान का कोयला लूट लो, गैस लूट लो, बिजली लूट लो, पानी लूट लो, एयरपोर्ट लूट लो, सीपोर्ट लूट लो, सब कुछ लूट लो, उसके पोर्ट पे ड्रग्स का धंधा कराओ, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी के एमएलए के घर 8 करोड़ रुपए कैश पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। कभी केसीआर जी की बेटी को, कविता को नोटिस भेज दो, कभी 6-7 महीने इलाज करा के लालू जी आ रहे हैं, उनसे पूछताछ कराओ, लेकिन अपने मित्रों को बचाओ। ये है मोदी जी का फॉर्मूला। आप बताइए, मरणासन्न अवस्था में जो लोग हैं उन पे सीबीआई ईडी कार्रवाई कर रही है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं, जिनको डॉक्टरों की सलाह पर कहा गया है कि भाई इनको अभी सुरक्षित रखना है, लालू यादव जी से सीबीआई पूछताछ कर रही है, और वो देखिए भाजपा का एमएलए 8 करोड़ उसके घर पाया गया, छूट के बाहर हो गया, जमानत उसके बेटे के घर पाया गया, जमानत हो गई, निकल गया बाहर, ना ईडी गई ना सीबीआई गई। तो अगला कानून प्रधानमंत्री जी को इसी सत्र में लाना चाहिए, ईडी और सीबीआई को मुर्दों से पूछताछ की छूट दी जाए। जो लोग कब्रिस्तान में दफना दिए गए या शमशान में जला दिए गए, उनकी हड्डियां लेकर दिन भर रात भर पूछताछ करें, और अगर वो लोग भी जवाब ना दे तो यमराज से पूछताछ करने की छूट दी जाए। जब ऐसे पागलपन की सरकार चल रही है, जिसका दिमाग ही फिर गया है, दिमागी संतुलन ही जिस सरकार का काम नहीं कर रहा है, बिगड़ चुका है, इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए? इनको तो इलाज की जरूरत है। किसी पागल खाने में जाके इस सरकार के लोगों को, इनके अधिकारियों को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए, और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, देश की तरक्की के बारे में कुछ सोचे, कुछ विचार करें, कुछ काम करें। मैंने बताया तो शिक्षा स्वास्थ्य का बजट इस सरकार ने कम किया है, अग्निवीर ला के नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की, सेना को कमजोर किया है, किसानों को उनके फसल का दाम देते नहीं, महंगाई चरम पर बढ़ाते हैं, काम कुछ देश के लिए करना नहीं है, देश को खाली अपने एक मित्र से लुटवाना है, LIC लूट लो, बैंक लूट लो, कोयला लूट लो, गैस लूट लो, एयरपोर्ट लूट लो, सीपोर्ट लूट लो, ड्रग्स का धंधा करो, देश बर्बाद करो, लेकिन मनीष सिसोदिया जो शिक्षा के लिए काम करेंगे उनको पकड़ के जेल में डालो, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे उनको पकड़ के जेल में डालो, आम आदमी पार्टी वालों को बदनाम करो, उनकी हत्या तक करवा दो, चलेगा, ठीक है। तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री जी को सलाह दे रहा हूं, अगले सत्र में कानून लाइए, ईडी सीबीआई को दिन रात, इनकी संख्या भी बढ़ाइए, बजट भी बढ़ाइए, एक एक कब्रिस्तान में मुर्दों से पूछताछ की छूट दी जाए। इनको मुर्दा निकाल निकाल के, कब्र खोद खोद के पूछो।